आईपीएल का तीसरा मैच केकेआर और हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मैच में हैदराबादी टीम ने दो जीत कर केकेआर को बैटिंग के लिए बुलाया। केकेआर की ओर से ओपनर फिन शार्क ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत करी। फिन शार्क ने 3 चौके और 3 छक्के की मदद से 54 रन की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन फिन शार्क के अलावा कोई भी और केकेआर का बल्लेबाज टिक के नहीं खेल सका। लेकिन लास्ट में फिनिशिंग के लिए आंद्रे रसेल मैदान पे। आंद्रे रसेल ने इस मैच में अपनी बैटिंग से तूफान मचा दिया। रसेल ने अपनी पारी में 7 छक्कों की मदद से 64 रन की पारी खेली और केकेआर टीम को 20 ओवर में 208 के स्कोर तक पहुंचाया। हैदराबादी टीम के लिए भी पहली पारी में 3 इंटरेप्शन ने 3 विकेट अपने नाम किए, लेकिन उसके बावजूद भी केकेआर टीम ने 208 रन बना दिए। दूसरी पारी में हैदराबाद खेलने उतरी, लेकिन हैदराबाद के लिए कोई भी बल्लेबाज टिक के नहीं खेल सका। हेनरिक क्लासेन ने अपनी टीम को जिताने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, लेकिन हेनरिक क्लासेन अपनी टीम को जिता नहीं पाई। क्लासेन ने इस मैच में 8 छक्कों की मदद से 63 रनों की पारी खेली, लेकिन इसके बावजूद भी हैदराबाद टीम 4 रन से यह मुकाबला हार गई। और केकेआर के लिए इस मुकाबले में ऋतिक नारायण ने 3 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही आंद्रे रसेल ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छा प्रदर्शन किया। आंद्रे रसेल ने बॉलिंग में भी 2 विकेट अपने नाम किए और इसके चलते यह मैच केकेआर की टीम ने 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस मैच में आंद्रे रसेल की बहुत बड़ी भूमिका रही। रसेल ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कमाल किया। इसके चलते आंद्रे रसेल को इस मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हर आईपीएल मैच के बाद में उस मैच की न्यूज सबसे पहले चाहिए तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी आईपीएल मैचों की न्यूज सबसे पहले मिल सके।